hello everyone and welcome to our module on motion in a straight line part 1 so today we are going to cover a basic introduction of the chapter we'll also look at distance and displacement we'll talk about velocity and speed and also we'll be covering a little about average velocity average speed an instantaneous velocity and instantaneous speed. So, let's start. Beginning with motion in a straight line. So, what do we understand by the term motion? So, every body in the universe tends to show some kind of motion. Even when we seem to be at rest, we are actually in motion because the earth is revolving around the sun. And also rotating about its own axis, right? So all of us are in motion. So motion in a straight line. How do you calculate the distance travelled by a car in time T with speed V? So the answer is by using mechanics. Mechanics ye mechanics is nothing but study of motion. The branch of physics which studies motion is mechanics, right? So study of motion is mechanics. सो वॉट डज मैकेनिक्स इंक्लूड मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे मैकेनिक्स इंक्लूड स्टैटिक्स काइनामैटिक्स एंड डायनामिक्स अगेन स्टैटिक्स काइनामैटिक्स एंड डायनामिक्स तो स्टैटिक्स क्या होता है स्टैटिक मतलब एट रेस्ट राइट सो फोर्सेस एक्टिंग इन एंड ऑन अ बॉडी विच इज एट रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक्स ओके सो द फोर्सेस एक्टिंग इन एंड ओन अ बॉडी

तो क्यों हो रहा है मोशन उसका कॉज क्या है राइट द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मोशन तो डाइनामिक्स में हम वो स्टडी करेंगे बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी काइनामैटिक्स राइट वील स्टडी काइनामैटिक्स सो अगेन मैकेनिक्स में क्या इंक्लूड होता है मैकेनिक्स क्या होता है स्टडी ऑफ मोशन सो स्टडी ऑफ मोशन इज मैकेनिक्स मैकेनिक्स में यू इंक्लूड स्टैटिक्स Kinematics and dynamics, right? And what are we going to study today? Kinematics. Okay. Now let's move further. we distance and displacement. So distance kya hota hai? Distance is nothing but the total length of path covered by the particle in definite time interval. So the total path length is nothing but distance. Distance kya hoga? Total path length.

सो डिस्टेंस इज अ स्केला क्वान्टिटी राइट डिस्टेंस इज अ स्केला क्वान्टिटी एंड इट कैन नेवर बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी अगर एक बॉडी मूव हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तो क्या उसका डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है इट विल ऑलवेज कवर सम डिस्टेंस राइट सो इट कैन नेवर बी ज़ीरो फॉर अ मूविंग बॉडी ऑल्सो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिसप्लेसमेंट ये हम देखेंगे अभी बाद में ओके ये देखा होगा आपने कहीं माइलोमीटर राइट right? गाड़ी से जब ट्रैवल करते हैं तो ये रास्ते में दिखाई देता है इट टेल्स अस कि कितना डिस्टेंस हम लोगों ने कवर किया है राइट माइलोमीटर नाउ लेट्स गो टू डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड इट डिपेंड्स ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी अब देखते हैं ये कैसे ये देखा होगा गूगल मैप्स राइट अगर ये एक पॉइंट है समझो ए राइट और ये एक पॉइंट है समझो बी तो गूगल हमें रूट्स देता है अलग अलग टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी सो हम कौन सा रूट चूज करते हैं जिस जो सबसे छोटा हो राइट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस द शॉर्टेस्ट पाथ तो ये क्या होता है द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट राइट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये शॉर्टेस्ट पाथ सो लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल दिस इज अ ट्राइंगल ओके ये साइड कितना है थ्री सेंटीमीटर ये कितना है फोर सेंटीमीटर सो so, ये क्या हो जाएगा फाइव सेंटीमीटर राइट पाइथागोरस का है ये ट्राइड है राइट थ्री फोर फाइव का ओके अभी समझो वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट ओके फ्रॉम दिस पॉइंट पॉइंट ए और पॉइंट ए से हम पॉइंट बी पे गए टेकिंग दिस रूट दैट आई एम मार्किंग विथ रेड ठीक है ए से बी हम ऐसे गए सो वॉट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड वायस इसमें डिस्टेंस कितना होगा बताओ डिस्टेंस क्या होता है पाथ लेंथ तो कितना हो गया ये पहले थ्री ट्रेवल किया फिर ये फोर ट्रैवल किया राइट right? ये राइट एंगल्स पर है सो डिस्टेंस कितना हो गया थ्री प्लस फोर सेवन सेंटीमीटर बिकॉज टोटल हमने कितना ट्रेवल किया है पाथ लेंथ सेवन सेंटीमीटर बट टॉकिंग अबाउट डिसप्लेसमेंट ये देखो बट शॉर्टेस्ट पाथ क्या है ए और बी के बीच ये है दैट आई एम मार्किंग इन ग्रीन शॉर्टेस्ट पॉसिबल बात तो ये है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए और बी के बीच राइट दैट्स फाइव सेंटीमीटर अब समझा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस ओके सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो अभी यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिली पॉजिटिव फाइव सेंटीमीटर इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो अगर हमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया ठीक है लेट्स अज्यूम ये एक लाइन है वी स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड समझो ये नंबर लाइन है ठीक है ये ज़ीरो है ये कितना है प्लस थ्री लेट्स अज्यूम प्लस थ्री ठीक है और ये कितना है माइनस थ्री सो वी स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ हमने यहाँ प्लस थ्री ट्रैवल किया और फिर फिर से हम यहाँ पहुँच गए वी स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ ओ से ए की तरफ गए एंड देन ए से फिर से ओ पे पहुँच गए तो हमारा टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो थ्री प्लस थ्री तो सिक्स होगा बट डिस्प्लेसमेंट ये आगे थ्री है और पीछे थ्री है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल हुआ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है बट डिस्टेंस सिक्स है इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे हम इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी राइट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी क्यों बिकॉज इट हैज मैग्नेट्यूड मैग्नेट्यूड एंड इट ऑल्सो हैज डिरेक्शन दैट्स राइट इसका मैग्नेट्यूड भी होता है एंड डिरेक्शन भी होता है सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वैक्टर क्वांटिटी वाइल डिस्टेंस क्या था हमने देखा था डिस्टेंस वॉज अ स्केल अ क्वांटिटी राइट डिस्टेंस क्या है स्केल अ क्वांटिटी है हमारा बट डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी इट हैज मैग्निट्यूड एंड इट हैज डिरेक्शन समझा नाउ वेलकम टू वेलॉसिटी एवरेज वेलॉसिटी एंड एवरेज स्पीड अभी वेलॉसिटी एंड स्पीड इसमें भी स्पीड क्या होगा हमारा स्पीड इज अ स्केलर विच इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अब डिस्टेंस क्या था डिस्टेंस तो स्केलर था टाइम तो स्केलर ही होता है टाइम का कोई डिरेक्शन नहीं है ये भी स्केलर है इसीलिए स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ स्पीड ओवर डिफाइंड टाइम पीरियड इज नथिंग बट एवरेज स्पीड ठीक है एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम सिंपल जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ टोटल अपॉन द टोटल टाइम कितना टाइम लगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए सो व्हेन द डिस्टेंस इज द सेम नाउ लेट्स अज्यूम एक पाथ है ठीक है ये क्या है डिस्टेंस डी और ये भी क्या है डिस्टेंस डी इसके लिए हम इतने टाइम के लिए फ्रॉम ये इसको हम ए नेम करते हैं ये ओ है एंड दिस इज बी ठीक है हम ए टू बी गए पासिंग थ्रू ओ ठीक है ए डिस्टेंस कितना दिया है डी ओ बी डिस्टेंस भी कितना है डी सो वेन डिस्टेंस इज द सेम तो ये फॉर्मूला यूज करना एवरेज स्पीड इज टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस बी टू सो अज्यूम ए और ओ के बीच हमारी स्पीड थी वी वन ओके और ओ और बी के बीच हमारी स्पीड थी वी टू तो एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम राइट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अब टोटल डिस्टेंस हमारा कितना ट्रैवल हुआ टू डी डी और डी टू डी राइट अब टोटल टाइम टाइम के बारे में तो हमें कुछ दिया नहीं है बट वी नो कि स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो टाइम कैन बी रिटर्न एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये यहाँ पे हम डालेंगे अब टाइम टोटल टाइम मतलब इसका टाइम प्लस इसका टाइम तो इसमें कितना डिस्टेंस का हुआ हुआ डी हाँ डी बाय वी वन प्लस डी बाय वी टू तो दिस कैन बी रिटनेस टू डी कॉमन टू डी ऊपर आएगा यहाँ डी कॉमन वन बाय वी वन प्लस वन बाय वी टू डी डी गेट्स कैंसल्ड टू अपॉन ये कितना हो जाएगा वी वन प्लस वी टू अपन वी वन वी टू ये ऊपर जाएगा सो कैन वी राइट इट डू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू समझा वही तो फॉर्मूला दिया है ऊपर ये देखो टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू अब ये समझा ना लेट्स मूव फर्दर ठीक है वेन टाइम इज द सेम अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग टाइम इज द सेम अभी फिर से एक पात लेंगे ठीक है फिर से एक पात लेंगे ये क्या है पॉइंट ए है बीच में पॉइंट ओ दिस इज पॉइंट बी ठीक है अब टाइम सेम है सो ए टू ओ हमने टी टाइम में कवर किया और ओ टू बी भी हमने टी टाइम में ही कवर किया ठीक है सो अगेन एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अब यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में कुछ दिया नहीं है है ना बट वी नो और इसके लिए क्या है वी वन स्पीड है और इसके लिए वी टू स्पीड है ठीक है नो वी नो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम सो डिस्टेंस कैन बी रिट न स्पीड इनटू टाइम ये यहाँ पे डालेंगे डिस्टेंस क्या हो गया स्पीड इनटू टाइम सो वी वन टी प्लस वी टू टी विल बी द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल टाइम क्या है टू टी टी प्लस टी राइट सो क्या मिलता है वी वन प्लस वी टू t कॉमन आ जाएगा अपॉन टू टी 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 गेट्स कैंसिल सो v1 वन प्लस वी टू बाई टू यही तो यहाँ दिया है v1 वन प्लस वी टू बाई टू इज एवरेज स्पीड वेन टाइम इज द सेम ठीक है तो जब टाइम सेम होगा तब ये फॉर्मूला नाउ विल टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी अब वेलोसिटी का एवरेज क्या होगा दैट्स राइट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन डोल टाइम अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हाँ वेक्टर क्वांटिटी और टाइम तो स्केलर है बट डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, राइट सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ठीक है तो वेक्टर आ गया मतलब समझ जाने का कि इट विल हैव मैग्नीट्यूड प्लस इट विल हैव डायरेक्शन राइट right? मैग्नेट्यूड भी होगा एंड डिरेक्शन भी होगा वाई बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी करेक्ट सो एवरेज वेलोसिटी इसका क्या फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टोटल टाइम राइट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज वेलोसिटी ओके सो वी एवरेज क्या होगा यहाँ पे बार दिया है देख बार देखो वी बार ये बार क्या इंडिकेट करता है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी रहेगा ना तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल के ऊपर एक बार लिख के यहां पे भी एस बार क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी तो एस बार डिवाइडेड बाय टी इज एवरेज वेलोसिटी ठीक है नाउ आल्सो वी एवरेज कैन बी रिटर्न यू बार प्लस वी बार यू बार क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी और v बार क्या होता है यस फाइनल वेलोसिटी ठीक है सो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इज एवरेज वेलोसिटी v एवरेज v बार इन दोनों पे भी बार है ठीक है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलॉसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलासिटी अब यह इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है सो बेसिकली लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है हंड्रेड किलोमीटर और मुझे लगा दो घंटा टू आवर्स ठीक है तो वी नो कि एवरेज स्पीड क्या होगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन तो कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर्स पर आर हो जाएगा मेरा स्पीड ठीक है बट डज दैट मीन कि मैं हर इंस्टेंट पे 50 से ट्रेवल कर रही थी नहीं ना हो सकता है कभी मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी हो फिर बाद में मैंने अपनी स्पीड कम कर दी हो सकता है सिग्नल आ गया हो तो मैं रुक भी गई हूँ तो तब तो स्पीड ज़ीरो हो जाएगी है ना सो so, ये क्या था ये सिर्फ एवरेज था एवरेज कि जितनी भी मेरी स्पीड्स थी उन सबका एवरेज है फिफ्टी तो एवरेज स्पीड से हमें ये नहीं समझता कि हम हर इंस्टेंट पे कितना ट्रैवल कर रहे हैं राइट सो so, उसके लिए ये टर्म है इंस्टेंटेनियस स्पीड दिस इंडिकेट्स कि हम हर इंस्टेंट पे हर पॉइंट पे हम कितना ट्रैवल कर रहे थे किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे सो स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड राइट नाम में ही है इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस ओके नाउ इसमें हम लिमिट्स यूज करेंगे बाई लिमिटा एज अपॉन डेल्टा टी लिमिट्स टी टेंगे इतना इंफिनिटिसमली स्मॉल टाइम हमने कंसिडर किया है राइट सो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी अब ये डेल्टा क्या इंडिकेट करता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस डी एस बाई डी टी भी लिख सकते हैं उसको तो डी एस क्या होगा वेरी स्मॉल डिस्टेंस फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस एंड डी टी वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम सो इसका क्या मतलब होता है लिमिट्स टी टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो इसका बस यही मतलब है कि बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमने ये स्पीड कंसिडर किया इज़ दैट क्लियर ओके ये देखो ये स्पीडोमीटर ये बाइक्स में देखा होगा है ना सो स्पीडोमीटर बेसिकली स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड ठीक है ये याद रखना कि स्पीडोमीटर क्या इंडिकेट करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड नाउ वील स्टार्ट विथ वेलोसिटी दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टूडे वेलोसिटी ये क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी राइट सो डीएस बाई डी टी अब स्पीड क्या था इंस्टेंटेनियस स्पीड देखो डेल्टा इज अपॉन डेल्टा टी सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वही होगा डेल्टा इज़ बार डेल्टा इज बार क्यों है क्योंकि दिस इज़ नथिंग बट वेरी स्मॉल डिस्टेंस नहीं है ये दिस इज़ वेरी स्मॉल हाँ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड ये वेरी स्मॉल टाइम इसलिए तो यहाँ पे बार दिया है ये बार क्या इंडिकेट करता है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेरी स्मॉल टाइम ठीक है डीवाई डी टी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज डी वाई डी टी मैंने बोला ना बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है इसलिए रेट ऑफ चेंज डी वाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट अगेन ये क्या है लिमिट्स टी टेंडिंग टूवर्ड जीरो डेल्टा एस बार अपॉन डेल्टा टी वही जो ऊपर ऊपर बताया था था डेल्टा 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 बार बार अपॉन अपॉन टी टी पे वही राइट right? क्यों है बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी इट हैज मैग्नेट्यूड एंड इट बार अपॉन डेल्टा टी इज वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट राइट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी ठीक है दैट इज इंडिकेटेड बाय वी बार डेल्टा एस बार अपॉन डेल्टा टी बिकॉज वेलोसिटी भी वेक्टर है एंड डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है अगेन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी अब डेल्टा क्यों यूज़ किया है बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल राइट बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन बहुत छोटा टाइम विल गिव अस वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट राइट ये क्लियर है विद दिस वी फिनिश द फर्स्ट टॉपिक अभी जल्दी से रिवाइज कर लेंगे मोशन मोशन का क्या मतलब था मोशन मतलब बॉडी इज चेंजिंग इट्स इन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स राइट और रेस्ट का क्या मतलब था रेस्ट मतलब बॉडी विल नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स देन ये क्या है मैकेनिक्स मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं मोशन स्टडी ऑफ मोशन इज मैकेनिक्स राइट ना वॉट डज मैकेनिक्स इंक्लूड मैकेनिक्स इंक्लूड स्टैटिक्स काइनामैटिक्स एंड डायनेमिक्स स्टैटिक्स क्या होता है फोर्सेज एक्टिंग इन एंड ऑन अ बॉडी विच इज एट रेस्ट स्टैटिक का मतलब ही है एट रेस्ट सो बॉडी एट रेस्ट उस पर क्या फोर्सेज एक्ट करेंगे इज वॉट वील स्टडी इन स्टैटिक्स काइनामेटिक्स में क्या है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज

इट इज़ अ स्केलर एंड इट कैन नेवर बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी नाउ कमिंग टू दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू डिसमेंट तो अब जब हम ये एग्जाम्पल देखते हैं ये ओ से ए जाने वाला एग्जाम्पल इफ यू रिमेंबर यहाँ पर हमें डिस्टेंस क्या मिला था सिक्स बट डिस्प्लेसमेंट क्या था जीरो सो डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिसप्लेसमेंट अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में सिर्फ फॉर्वर्ड जा रही है बट ये पीछे भी गया तो प्लस थ्री माइनस थ्री के कारण ज़ीरो हो गया सो प्लस सिक्स इज द डिस्टेंस एंड जीरो इज द डिस्प्लेसमेंट सो डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट बट नॉट वाइस वर्सा राइट ओके ना एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला बताया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ना वन स्पीड इज द सेम तो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू कैसे आया डेरिवेशन अभी देखा था हमने डिस्टेंस सेम है टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड पुट करो तो वी गेट दिस आंसर ठीक है अगेन एवरेज स्पीड क्या होता है ये भी हमने किया था डिस्टेंस इज स्पीड इन टू टाइम पुट करके वी वन प्लस वी टू बाई टू इज एवरेज स्पीड ठीक है नाउ एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम राइट वेलोसिटी इज अ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर राइट एवरेज इज एस एस बार अपॉन टाइम एस बार क्यों क्योंकि वेक्टर है राइट इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस में क्या लगाना है लिमिट्स लगाना है टी टेंडिंग टूवर्स जीरो ऐसे पढ़ेंगे इसको लिमिटीडिंग टूवर्सरोल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ठीक है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी

Our first topic of kinematics motion in a straight line, lecture one. Thank you.